हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। लकीर खींच है जा भगाया, सूखे हुए कुओं में पानी भर आया। आटे की लकीर खींच है जा भगाया, सूखे हुए कुओं में पानी भर आया। पानी से साईं तूने दीपक जलाए, दीपक जलाए। छू कर के कोढ़ियों के कोढ़ तू मिटाए, कोढ़ तू मिटाए। लीला तेरी जग में जैसे अमृत की धार है, साई लीला, साई की लीला तो साई ही जाने, संसारी लोग कैसे पहचाने। साई लीला अनुपम है, अद्भुत अपार है, साई लीला सारे सुखों का द्वार है। साई लीला, साई की लीला तो साई ही जाने, संसारी लोग कैसे पहचाने। साई की लीला को साई ही जाने, संसारी लोग कैसे पहचाने। साईनाथ, हमें याद है पहली दिवाली में आपने पानी के दिए जलाए थे और सारी द्वारिका माई जगमग जगमग कर उठी थी।
महल सपति, मैं चाहता हूं कि ये सिर्फ द्वारिका माई ही नहीं, इस दुनिया के सभी इंसानों की जिंदगी खुशियों से जगमग जगमग करे। हमारा आपके साथ दिवाली मनाना बड़ा ही पुण्य फल है। बाबा, बस आप इसी तरह मुस्कुराते हुए हमारे जीवन के साथी बने रहिए। बाबा, हम भाग्यशाली हैं जो आपका आशीर्वाद हमारे साथ है। हाँ बाबा, जलने वाला दिया तो सिर्फ अंधेरे का विनाश करता है, लेकिन आपकी कृपा दृष्टि हमारे सारे दुखों का विनाश करती है। साईं बाबा, आप तो हमारे लिए सूर्य जैसे तेजस्वी दीप हैं। लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टि स्वधे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणी नमोस्तुते महारात्रि महाविद्ये नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्याद्या महालक्ष्मी स्त्रीगुणा परमेश्वरी लक्षालक्षस्वरूपासा व्याप्यकृत्स्नं व्यवस्थिता। सबके भवन पधारो हे विष्णु प्रिये दीप लिए देखे पंच तिहारो माँ सबके भवन पधारो। तुम बिन कोई काज न हो और सफल न हो आयोजन। तुम वह देवी जिनसे राखे तीनों लोक प्रयोजन। तुम वह देवी जिनसे राखे तीनों लोक प्रयोजन। आरती उतारे हम तुम्हारी तुम दैन गरीब उतारो हे विष्णु प्रिये दीप लिए देखे पंच तिहारो माँ सबके भवन बधारो। शरणागत दीनाथ परित्राण परायणी सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। रत्नाकरात्मजा रत्ने दिव्य मणि रत्न मंडिते पद्मासनास्थिते देवी निधिं देहि नमोस्तुते। मंगलकारिणी है नारायणी जो तुमसे वर पाए। अतुल संपदा का स्वामी वह
नर कुबेर हो जाए। अतुल संपदा का स्वामी वह नर कुबेर हो जाए। हमें दीनहीन संतान जान अब हमारी ओर निहारो। हे विष्णु प्रिय दीप लिए देखे पंथ तिहारो। सुनो यह अनुरोध हमारा दीपावली के शुभ अवसर पे मां सबके भवन पधारो। हे विष्णु प्रिये दीप लिए देखे पंच तिहारो। सबके भवन पधारो। आज का दिन उनके बारे में सोचने का है जिनकी जिंदगी में दीप तो जले हैं लेकिन उनसे रोशनी नहीं निकली। जरा उन बेचारों के बारे में सोचो जिनकी जिंदगी की उम्मीद ही बुझ चुकी है। क्या हमने कभी अपनी खुशी में उनको शामिल करने का सोचा है जिनकी खुशी उनसे रूठ गई है, जो जरा सी मुस्कुराहट के लिए भी तरसते हैं? निराशा के अंधेरे में डूबे हुए उन लोगों की मदद करने का ख्याल आज के दिन कभी हमारे दिल में आता है? कभी सोचते हैं हम कि उनका हाथ पकड़ें और उन्हें उजाले में ले आएं? क्यों हमेशा हम अपना स्वार्थ ही सोचते हैं? याद रखो ईश्वर वहां है जहां निस्वार्थ है। हमें दीप जलाने चाहिए सिर्फ अपने घर का अंधेरा दूर करने के लिए नहीं बल्कि अपने अड़ोस पड़ोस के सभी घरों का अंधेरा दूर करने के लिए। जब भी कभी हम दूसरों को अपनी खुशी में शामिल करते हैं तो हमारी खुशियां कम नहीं होती बल्कि दुगनी तुगनी हो जाती हैं। ज्ञान खुशी और प्यार जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। इसे बढ़ाओ, इसे अपने तक सीमित मत रखो। रोशनी फैलाओ, अंधेरा मिटाओ। इस दीपावली को ठीक तरह से मनाओ, मिलकर मनाओ, खुश होकर मनाओ। लेकिन अपने दाएं बाएं भी देख लो कि वहां खुशी है कि नहीं। तभी तो हम एक दूसरे को सही मायने में दीपावली मुबारक कह सकते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड विनायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ये दीपावली आप सबकी जिंदगी से दुखों का अंधेरा हटाए और सुखों का प्रकाश लेकर आए, यही मालिक से प्रार्थना है। जय देवा जय द्वारिका नाथ, उसे मिले मुक्ति जो हो तेरे साथ। जय देवा जय द्वारिका नाथ। जीवा जी,
क्या कानून के रखवाले आए हैं? हाँ भगवान। इन्हें मेरा प्रसाद दे दो। जी ये लो। लाखों रुपए के जेवरात जिन्हों जिन्होंने चुराए हैं उन असली चोरों को पकड़ सकें। आपने कैसे जान लिया कि हम यहाँ किस लिए आए हैं? भगवान द्वारिकानाथ जी त्रिकालदर्शी हैं, सब जानते हैं, उनसे कुछ छुपा नहीं सकते। मैंने ये सारा विश्व व्याप्त किया है, मुझ में ही ये सारा चराचर समाया है। इस दुनिया में किसी भी कोने में जो कुछ भी हो रहा होता है मुझे साफ साफ दिखाई देता है। ऐसा है तो आपको ये भी दिखाई दे रहा होगा कि किस बाबा ने चोर को वो जेवरात दिए थे। आप खुद उस चोर से क्यों नहीं पूछ लेते जिस बाबा ने उसे जेवरात दिए हैं? क्या वो फकीर जैसा दिखाई नहीं देता है? हाँ हाँ, हमें उसने बताया वो फकीर ही है। क्या वो कुर्ता पहनता है, सिर पर कपड़ा बांधता है, नीचे लुंगी या लहंगा पहनता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही हुलिया बताया उस चोर ने हमें। मैं उस धर्म भ्रष्ट बाबा को साफ साफ देख रहा हूँ इंस्पेक्टर। कहाँ है वो भगवान? कौन है वो? शिरडी में, अपने आप को साईं कहता है और लोग उसे साईं बाबा कहते हैं। साईं बाबा? अरे राम राम राम, ये दवा बनाते बनाते मेरा पसीना निकल गया। इन मूर्खों को मैंने पाल के रखा है। अरे दोंधु टुकड़ू, अरे राम राम राम, अरे मूर्खों कहाँ गए थे? अरे मैंने तुम दोनों को दवा पीस के रखने के लिए कहा था ना। हाँ हाँ, अब तो दवा ही पीसनी पड़ेगी। दवा के साथ साथ दुआ भी मांगनी पड़ेगी। दुआ? हाँ, वो देखिए बाहर पुलिस वाला आया है। राम राम, पुलिस वाला? लगता है पुलिस वाला आप ही को ढूंढ रहा है। अरे मूर्ख कहीं के, जो मुंह में आता है बके जा रहे हो। अरे इस वैद्य कुलकर्णी को पकड़ने आया है मुझे मुझे है? और तू तू हाँ हाँ कर रहा है, है? मूर्ख कहीं के, मार दूंगा तुम दोनों को, मार दूंगा। ये पुलिस वाला तो शिरडी का तो नहीं लग रहा है, फिर यहाँ क्या करने आया होगा? अरे द्वारिकानाथ जी, अरे राम राम, द्वारिकानाथ जी के साथ फौजदार? अरे भगवान, अरे 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 मूर्ख कहीं के, अरे मुझे गिराओगे? अरे मूर्खो, तुम दोनों मेरे पीछे क्यों छुप रहे हो? हैं? अरे तुम दोनों ने कोई गुनाह किया है? नहीं। किसी का खून किया है? नहीं। कहीं डाका डाला है? नहीं। तो फिर तुम दोनों मेरे पीछे गुनेगार की तरह क्यों छुप रहे हो? वैद्य वैद्य जी, वो देखिए सिपाही ने द्वारिकानाथ जी को पकड़ रखा है। अब आपको भी पकड़ लेगा। आपके हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी होगी तो कैसा लगेगा आपको? क्योंकि हर काम में हमने आपका साथ दिया है। हाँ ना, तो पुलिस वाले हमको भी पकड़ेंगे। हाँ हाँ, ना ना एको। वो पुलिस वाले कहाँ जा रहे हैं? द्वारिकानाथ इधर ही आ रहा है। धन्य भाग हमारे जो आप पुनः शिरडी पधारे। द्वारिकानाथ जी, उम्मीद करता हूँ कि आपकी तपस्या पूर्ण हुई होगी। वैद्य जी, मेरी तपस्या का परिणाम देख नहीं रहे आप?
ये पुलिस वाले साईं बाबा को पकड़ने आए हैं। राम राम राम। अब देखता हूँ इस शिरडी में उस ढोंगी साईं का नामो निशान भी कैसे रहता है। तो वैद्य जी कहिए भगवान द्वारिकानाथ की जय। आइए आइए भगवान द्वारिकानाथ जी। आइए। हवाओं को कभी पकड़ा जा सकता है, फूलों की खुशबू को मुट्ठी में कैद किया जा सकता है, क्या आग को कोई बंदी बना सकता है? नहीं। फिर मालिक को कोई कैसे पकड़ सकता है? हवा, सुगंध, अग्नि, ये सब हमें मालिक का साक्षात्कार कराते हुए कहते हैं कि ये सारा चराचर विश्व मालिक ने व्याप्त किया है, मालिक ने हमें बनाया है, और हम मालिक को बंदी बनाने का सपना देखें तो इससे ज्यादा मूर्खता और क्या होगी? मालिक के सामने हमेशा सिर झुकाना चाहिए। मालिक के सामने सर उठाने का मतलब उसको चुनौती देना, ऐसा दुस्साहस कभी मत करना। मालिक की वंदना करनी चाहिए, उसको बंधन में जकड़ने के सपने नहीं देखने चाहिए। ये सब शब्दों का जादू है फौजदार। वो फकीर लोगों को अपने प्रभाव में रखने के लिए बोलता रहता है, सबका मालिक एक, सबका मालिक एक। साहब उसको फकीर मत कहिए, वो साईं बाबा हैं। वो जो भी है उस पर चोरी का इल्जाम है, इसलिए तुम उसे थाने बुलाओ, उसकी तहकीकात करनी होगी। साहब ये मैं कैसे कर सकता हूँ साहब, वो तो तुम अपनी ड्यूटी से इनकार करोगे? साहब वो मालिक है, भगवान है। अच्छा भगवान, तो तुम भी उसे भगवान समझते हो? इसीलिए तुमने मुझे इतने दिनों तक उसकी तहकीकात करने से रोका। ठीक है, अब मैं उस पाखंडी का असली चेहरा लोगों को बताऊंगा, और जो उसे भगवान, ईश्वर या मालिक समझते हैं उन्हें पता चल जाएगा कि असल में वो एक चोर है। चोर, तुम जाओ और साईं बाबा को लेकर आओ अभी। शायद सारे गांव वाले नाराज हो जाएंगे, भड़क उठेंगे। वैजी, वैजी। अरे ढूंढू डगड़ू, ये बाहर चोर कैसा है मूर्खों? अरे वही तो बताने के लिए भागे आए हैं। हाँ, फौजदार साहब साईं बाबा को पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए द्वारिका माई जा रहे हैं, उनके साथ बड़ा साहब है। सांप? साईं बाबा पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। साईं बाबा हमारे भगवान है और हम अपने भगवान का अपमान होते हुए नहीं देख सकते। हम पुलिस को अंदर नहीं जाने देंगे। चुप करो मूर्खो, कहो पुलिस को जाने देंगे, जाने देंगे, बोलो। जाने देंगे, जाओ जाओ जाओ। इसी गांव के होकर आप साईं बाबा का अपमान करेंगे फौजदार जी? आप भी तो साईं बाबा की पूजा करते हैं। जिसकी पूजा करते हो उसी को पकड़ोगे? अपने भगवान को बदनाम करोगे? जाओ वापस अपने थाने जाओ, जाओ। हम थाने से आए हैं मुजरिम को पकड़ने के लिए, और हम अच्छी तरह जानते हैं कि वो द्वारका माई में ही है। हमें द्वारका माई जाने दो। द्वारका माई हमारा मंदिर है, चोर लुटेरों का अड्डा नहीं है वो। आप हमें हमारा काम करने देंगे या नहीं? हाँ। आप किसी के बहकावे में आकर गलत काम करने जा रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। सही और गलत का पता तो बाद में चलेगा इंस्पेक्टर साहब, ये आपको अपनी ड्यूटी करने से रोक रहे हैं, इन्हें सजा दीजिए। हाँ हाँ, इन सब को भी ले जाकर हवालात में बंद कर दो। राम राम राम। बच्ची, हमें अगर हवालात में बंद करोगे ना तो आपको दो वक्त का खाना नसीब नहीं होगा। बच्ची, आपके घर में चूल्हा जलता है क्योंकि गांव वाले आपके घर अपना इलाज कराने आते हैं। वैद्य जी, लक्ष्मी की माँ, आंखें मत दिखाओ,
फोड़ दूंगी इन्हें। राम राम। वैद्य जी, अपनी आंखें बंद कर लीजिए। नहीं तो लक्ष्मी की माँ दोनों आंखें फोड़ देगी। हाँ, फिर आप दवा कैसे बनाएंगे? जो मुझे रोकेगा वो कानून का गुनहगार होगा। चुप हो जाओ, मेरा रास्ता छोड़ दो वरना मजबूरन मुझे गोली चलानी पड़ेगी। तो चलाइए, पहले मुझ पर गोली चलाइए। क्या हुआ गुरुजी? दरोगा जी अगर साईनाथ के दर्शन करना चाहते हैं तो रोक क्यों रहे हैं? जाने दीजिए इन्हें। ये साईं बाबा को चोर समझ रहे हैं, उनकी तहकीकात करने आए हैं। अरे करने दीजिए ना तहकीकात। आप तो जानते हैं गुरुजी, जब साईं बाबा किसी को बुलाते हैं तो ही वो शिरडी आते हैं, और जब साईनाथ की इजाजत होती है तभी वो द्वारिका माई में कदम रखता है। क्या आपको साईनाथ ने बुलाया है? मैं सरकारी काम से आया हूँ, किसी के बुलावे पर नहीं, और मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। मैं जा रहा हूँ। हाँ जाइए, जरूर जाइए, लेकिन साईनाथ की इजाजत नहीं होगी तो द्वारिका माई में आप कदम नहीं रख सकेंगे। अच्छा, देखता हूँ तुम्हारा साईं बाबा मुझे कैसे रोकता है। चलो, जाने दो इन्हें। साईनाथ पर हमारी श्रद्धा है ना? हाँ है। साईनाथ पर हमारा विश्वास है? हाँ है। तो साईनाथ ने हमें क्या सिखाया है? श्रद्धा और सब्री, हमें सब्र करना चाहिए। दरोगा जी का यहाँ आना साईनाथ की लीला है, और हमें उनकी लीला का आनंद लेना चाहिए। आनंद? इन्हें भी शिक्षा लेने दो। मालिक को भक्ति से जीता जाता है, शक्ति से नहीं। अरे चलो वैजी। अरे द्वारिका नाथ जी, इस ढोंगी का नाटक हम भी देखें। यही कलयुग की महिमा है, इस युग में चोरों पर विश्वास किया जाता है और पुलिस पर अविश्वास। यहां दुर्जनों को सम्मान मिलता है और सज्जन अपमान के भागी होते हैं। यहां धोखेबाजों को, लुटेरों को इज्जत दी जाती है और सिद्ध साधकों का मजाक उड़ाया जाता है। यहां झूठ का डंका बजता है और सच्चाई पर यकीन नहीं किया जाता। यही कलयुग है। जी, आज ये साईं बाबा का अध्याय समाप्त हुआ समझो। राम राम राम। वैजी वैजी, आज के बाद द्वारिका माई में द्वारिका नाथ जी बैठेंगे। अरे तगड़ू क्या रखा है द्वारिका माई में? इस द्वारिका माई में क्या नहीं है, सब कुछ है यहाँ। द्वारिका माई में कदम रखते ही लोगों के दुख दर्द सब दूर हो जाते हैं। द्वारिका माई मोक्ष मुक्ति पाने का द्वार है। तुम तो पहले इस द्वारिका माई में आ चुके होंगे। जी हाँ साहब। वहां से बाहर निकलने के रास्ते कितने होंगे? एक ही रास्ता है साहब, अंदर जाने का भी और बाहर आने का भी। अच्छा, चोर रास्ता कोई नहीं है? जी नहीं साहब। देखो, अगर आज साईं बाबा ने भागने की कोशिश की भी तो मैं उसे भागने नहीं दूंगा।
आज मैं सबको उसकी असलियत दिखा देने वाला हूं। ये मैं बहुत ही खतरनाक है, इसी मैं के कारण इंसान का अधोपतन होता है। यही मैं ही इंसान के दिल में कड़वाहट भरती है और यही मैं, यही अहंकार इंसान को मालिक से दूर करता है। जब इंसान इस मैं को भूलकर मालिक की शरण में जाता है तो उसका उद्धार हो जाता है। अरे ये बंदर कहाँ जा रहा है? बाबा, 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 वो दरोगा जी आपको पकड़ने के लिए यहाँ आ रहे हैं। नानावली, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वही मारने वाला है, वही तारने वाला है, वही होता है जो वो चाहता है। इंसान के चाहने से कुछ नहीं होता। साहब, ये रहा द्वारिका माई का प्रवेश द्वार। ये बाबा, वो दूली, 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 बुझने वाली दूली, आइए आइए आइए, दूली दूली, बाबा बाबा आइए। मैं साईं बाबा को आपके आने की खबर देता हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। बाबा, दूली दूली जल गई। सबका मालिक एक। राम राम राम, आपको द्वारिका माई में प्रवेश ना मिले इसीलिए तो उसने ये तूफान पैदा किया था। क्या कह रहे हैं आप? तूफान पैदा करना कोई बच्चों का खेल है जो हर कोई जब चाहे तूफान पैदा कर दे? नहीं 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 वैद्य जी, नहीं। अरे ये शक्ति तो वही रखता है जिसकी पंच महाभूतों पर विजय हो। साईं बाबा की पंच महाभूतों पर हुकूमत है साहब। खामोश। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम, गुण धाम यश धाम साईं राम साईं श्याम। दरोगा जी, जल्दी से फोटो खींच लीजिए साईं बाबा की। ओए, ओए बंदर! ये दरोगा क्या कर रहा है? तुमसे मतलब बंदर कहीं के? अरे साईं बाबा की तस्वीर खींच रहा है। नहीं नहीं, कोई साईं बाबा की तस्वीर नहीं खींच सकता। हाँ, उसके लिए साईं बाबा की इजाजत चाहिए। गुरुजी, तो क्या आपके साईं बाबा दरोगा साहब को उनकी फोटो खींचने की इजाजत देंगे? बाबा सबके मालिक है। हाँ दरोगा जी, सबके मालिक हम हैं, आप फोटो खींचिए। अरे बहस क्यों करते हो? तस्वीर खींचना है तो साईंनाथ की इजाजत ले लीजिए। देखो, मुझे किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, मैं साईं बाबा की तस्वीर खींचूंगा। साईं कथा अनंत है, साईं नाम अनमोल।
साई साई बोल। साई बाबा की जय। साई बाबा की जय। साई नाथ की जय। अब साई बाबा की तस्वीर खींचने के बाद आपको उसकी असलियत का पता चल जाएगा इंस्पेक्टर साहब। साई बाबा की तस्वीर नहीं खींच सकता। हाँ, उसके लिए साई बाबा की इजाजत चाहिए। मजिस्ट्रेट साहब ने मुझे मिलने का वक्त दिया है, वो घर पे ही है ना? हाँ साहब, बंगले के आंगन में अपने परिवार के साथ बैठे हैं, आप जा सकते हैं। सर आओ, इंस्पेक्टर आओ बैठो। सर मैं ठीक हूँ। मैं जरा बच्चों को देखती हूँ, आप बातें कीजिए। हाँ इंस्पेक्टर, केस का क्या हुआ? सर मैं साईं बाबा की तहकीकात करने शिरडी गया था, लेकिन वहाँ के लोगों ने मुझे साईं बाबा तक पहुँचने ही नहीं दिया। वहाँ के लोग साईं बाबा को भगवान समझते हैं सर। अच्छा। हाँ भाई, आजकल तो गाँव गाँव में ऐसे भगवान मिल जाते हैं, लेकिन हम इस चोरी के केस का फैसला कैसे करेंगे? सर मैंने कुछ साईं बाबा के फोटोज खींचे हैं। वेरी गुड, लाओ लाओ। इसमें साईं बाबा कौन है? इसमें साईं बाबा नहीं है सर। साईं बाबा नहीं है, तो फिर तुमने फोटो किसके खींचे हैं? साईं बाबा के सर, लेकिन फोटो खींचने के बाद भी साईं बाबा फोटो में नहीं आए। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो, हैं? कैसा कैमरा है तुम्हारा, जिसकी तुम तस्वीरें खींचते हो वो तस्वीर में नहीं आता, और जो उसके साथ है उसकी फोटो छप जाती है? सर शिरडी के लोगों का कहना है कि अगर साईं बाबा की इजाजत ना हो तो ना तो कोई उनकी मठी में प्रवेश कर सकता है और ना ही कोई उनकी फोटो खींच सकता है। ओह, तुम ये कहना चाहते हो कि साईं बाबा के पास कोई गैबी ताकत है? नॉनसेंस। ये डेफिनेटली उन्हीं साधु फकीरों में से एक है जो लोगों को प्रभावित करके उनसे पैसा ऐंठते हैं। उस साईं बाबा ने अपने भक्तों से ही नहीं बल्कि तुम्हें भी कानून से रोकने का अपराध किया है। सर उसके खिलाफ समन लेके जाओ और उसे मेरी अदालत में हाजिर करो। यस सर। गो। मालिक को हुक्म नहीं दिया जाता, उससे गुजारिश की जाती है, प्रार्थना की जाती है। हुक्म देना मालिक का काम है और भक्त का काम है उसके हुक्म का पालन करना। मालिक अपने भक्तों का दास है। ऐसे भक्त जिनकी भक्ति का बंधन मालिक को स्वीकार है, ऐसे भक्त अपनी भक्ति की शक्ति दांव पर लगाकर मालिक को बुलाते हैं, और मालिक अपने भक्त की लाज रखने के लिए उसके सामने हाजिर होता है। ये है भक्त और मालिक का रिश्ता। संत नामदेव जब जिद करते थे कि पहले तुम खाना खाओगे उसके बाद मैं खाऊंगा, तब पंडरीनाथ विट्ठल को प्रकट होकर
नामदेव के साथ खाना खाना पड़ता था। लेकिन हम कहेंगे तो क्या वो आएगा? उसके लिए वैसी भक्ति चाहिए, वैसा समर्पण चाहिए। सोते जागते उठते बैठते मालिक को याद करते रहना चाहिए। सबका मालिक एक। आप माने या ना माने, मैं तो तुलसीदास जी के इस दोहे से पूरी तरह सहमत हूँ। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिन देखी तैसी। अरे पत्थर तो पत्थर है, इन्हें हम भगवान क्यों मान लेते हैं? क्योंकि हमें विश्वास है कि भगवान है। अरे अरे ये तो हमारा विश्वास है जो पत्थर को भगवान बना देता है। तो श्रीमती जी आप ये कहना चाहती हैं कि साईं बाबा भगवान है? भगवान तो आप भी हैं, मैं भी हूँ, ये पेड़ पौधे जीव जंतु सब भगवान का ही तो अंश है। लेकिन भगवान हमें दिखाई नहीं देते क्योंकि हमें विश्वास ही नहीं कि भगवान हम सब में है। हमारे मन में आशंका है, ठीक वैसी आशंका जैसे आपके मन में साईं बाबा की तस्वीरों को लेकर है। इंस्पेक्टर का कहना है उसने साईं भक्तों के साथ साईं बाबा की कुछ तस्वीरें खींची, लेकिन तस्वीरें बनने के बाद देखा साईं बाबा उसमें है ही नहीं। कहाँ गए साईं बाबा? उनके भक्त तस्वीरों में है लेकिन साईं बाबा गायब। क्यों गायब हुए साईं बाबा? अजी उस इंस्पेक्टर को भगवान पर विश्वास दिलाने के लिए ये तो लीला है साईं बाबा की, और भगवान तो अक्सर ऐसी लीलाएं किया करते हैं। और साईं बाबा जो शिरडी में बैठकर कर रहे हैं वो तो कोई अवतारी पुरुष ही कर सकता है। अरे श्रीमती जी, ऐसे खेल तो मदारी भी दिखा लेते हैं। हमारे सामने ही एक सिक्का मुट्ठी में बंद करते हैं और जादू का डंडा घुमाकर उस सिक्के को गायब कर देते हैं। अरे कोई ऐसे खेल दिखाकर वो अवतारी पुरुष नहीं बन जाते। देखिए श्रीमती जी, इस वक्त वैसे भी आपका पूजा का समय है और मैं आपकी पूजा में खलल डालकर पापी नहीं बनना चाहता। हाँ एक बात जरूर कहूंगा, हम भगवान के अंश जरूर हैं, भगवान नहीं है। जिस तरह हम आईने में अपने आप को देखते हैं तो वो हमारा अक्स होता है, हमारे सामने हम नहीं होते। और जो भगवान के अक्स हैं मैं उन्हें भगवान नहीं मानता। और जो अपने आप को भगवान बोलते हैं, भगवान होने का नाटक करते हैं, वो भगवान नहीं होते। भगवान होने का ढोंग करते हैं, वो पाखंडी हैं। और मैं उस पाखंडी की असलियत दुनिया के सामने ला कर रहूंगा। एक बार सम्मन जानी दो। ये सम्मन मिलने की देर है, साईं बाबा सिर के बल दौड़ते हैं आएगा। मुझे द्वारका माई में प्रवेश नहीं करने दिया उसने। मजिस्ट्रेट साहब के दस्तखत होते ही ये सम्मन उसके लिए जेल की प्रवेश द्वार बन जाएगा। वो समझता है कि वो एक ही जादूगर है। अब पता चलेगा उसे जब हमारा जादू उसके सर पर चढ़ के बोलेगा। ये सब क्या है? मैंने तुम्हें सम्मन तैयार करने के लिए बोला था ना,
सर ये सम्मन ही था। क्या कहना चाहते हो? तुमने सम्मन बनाए और उन्हें चला भी दिए? नहीं नहीं सर, मैंने सम्मन बनाया था और मैं आपके पास ताने ही वाला था कि वो खुद ब खुद जल गए। और मैंने दूसरा भी बनाया था सर, वो भी जल गया। खुद ब खुद जल गए? वो कैसे? क्या हवा में आग जल रही है? अगर हवा में आग जल रही है तो तुम क्यों नहीं जले? अरे इंस्पेक्टर, तुम मेरी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश क्यों कर रहे हो? ये दिखावा किस लिए कर रहे हो? अरे किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो तुम? तुम ये क्यों नहीं कहते कि तुम खुद उस साईं बाबा को पकड़ना नहीं चाहते, क्योंकि वो तुम्हारा भी भगवान है? नहीं सर। क्या नहीं? नहीं तुम तहकीकात करने के लिए वहां गए थे ना शिरडी? क्या किया? खाली हाथ वापस आ गए? वहां के लोगों ने तुम्हें द्वारका माई में घुसने नहीं दिया? या तुम खुद वापस लौटकर उल्टे पांव आ गए? नहीं सर, मैं शिरडी गया था, वहां के लोग गवाह हैं और मैंने फोटोज भी खींचे थे, उसके भी गवाह हैं। तो फिर साईं बाबा की तस्वीर क्यों नहीं छपी? इसके गवाह हैं क्या तुम्हारे पास? देखो इंस्पेक्टर, तुमने अपनी ड्यूटी से लापरवाही की है और इसके लिए तुम्हें मैं पहली और आखिरी बार माफ कर रहा हूं। और अब साईं बाबा के खिलाफ समन्स नहीं, वारंट चाहेंगे गिरफ्तारी के। हटो। संतरी। जी साहब। ये लो, और तुम इस संतरी को लेकर शिरडी जाओगे और साईं बाबा को गिरफ्तार करके मेरे सामने लाओगे, समझे तुम? जाओ अभी। यस सर। वारंट कहाँ है? जेब में सर। मुझे तो जेब में कुछ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या? कहाँ है आग? पहले सम्मन भी जल गया था और अब ये वारंट भी। संकेत समझने वालों के लिए भगवान का केवल एक ही संकेत काफी होता है। आपने साईं बाबा के लिए सम्मन भेजा, वो जल गया। वारंट भेजा, वो भी जल गया। और तो और, आपके इंस्पेक्टर को उस सिपाही की जेब में आग जलती हुई नजर आई और फिर भी आप। अरे सब बकवास, बीड़ी सिगरेट पीते हुए वारंट का कागज जल गया होगा और उस सिपाही की जेब में आग। अरे कोई आग वाग नहीं देखी इंस्पेक्टर ने, वारंट गलती से जल जाने के बाद उन्होंने ये कहानी गढ़ी है। और तुम तो जानती हो मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता। भगवान पर तो है। अब इन कागज के टुकड़ों में भगवान कहां से आ गए? जिन साईं बाबा के लिए आपने सम्मान और वारंट भेजे हैं, शिरडी के लोग उन्हें भगवान ही मानते हैं। मूर्खों की कमी नहीं है हिंदुस्तान में। जब तुम बच्चों के साथ मायके चली जाओगी ना, तो मैं खुद शिरडी जाऊंगा उस साईं बाबा की तहकीकात करने के लिए। कागज के टुकड़े जलाकर वो मुझे गुमराह करना चाहते हैं।
माली देखो वो सामने कौन है। ये मेरा वहम था या सचमुच में कोई था? अगर था तो वो कौन था, क्या जाने। अज्ञान के कारण जो मुझे पहचानते नहीं उन्हें मैं ज्ञान का साक्षात्कार कराता हूं। वो लोग धन्य हैं, भाग्यशाली हैं, जो मेरे सर्वव्यापी रूप से परिचित हैं। जैसी भक्त की निष्ठा और भाव होता है उसी प्रकार मैं अपने भक्तों की सहायता करता हूं। सबका मालिक एक। दिख दिख तांगा आया है हमारे लिए। चलो बच्चों बस। अच्छा सुनो, वहां पहुंचते ही सिपाही को वापस भेज देना। आप भी अगर साथ चलते तो। मैं कैसे आ सकता हूँ, मुझे तो साईं बाबा का फैसला करने के लिए शिरडी जाना है। साईं बाबा का फैसला आप करेंगे? क्यों, मैं मजिस्ट्रेट हूँ। साईं बाबा तो न्यायाधीशों के न्यायाधीश हैं। देखो देर बहुत हो रही है और वैसे भी अंधेरा होने से पहले वहाँ पहुँच जाना चाहिए तुम लोगों को। और बच्चा लोग वहाँ पहुँच कर ज्यादा शरारते नहीं करना है। नहीं करेंगे बेटे। ये फकीर अंदर कैसा है? फकीर कहाँ है साहब? अरे सामने दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? नहीं साहब, यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा साहब। मुझे ऐसा वहम क्यों हो जाता है? देखो बच्चों, ज्यादा शरारत मत करना हाँ। नानी तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। बच्चे लोग अब तक तो आधे रास्ते पहुंच गए होंगे। यकीन है तुम्हें? तुम अभी तक यहीं हो? हाँ, मैं तो हर पल हर जगह हर तरफ होता हूं। भगवान समझते हो अपने आप को? तुम्हें क्या दिखाई देता हूं? एक पाखंडी। न्यायाधीश हो, बिना गवाह और सबूत के इस तरह का फैसला कैसे कर सकते हो? तुम यहां क्या करने आए हो? जहां मेरी जरूरत होती है मैं चला आता हूं। जादूगर हो? मैं नहीं, वो। अच्छा, तो इसी तरह की बातें करके लोगों को अपनी भूल भुलैया में फंसाते हो? मैं तो उन्हें रास्ता दिखाता हूं जो संसार की भूल भुलैयों में फंस जाते हैं। मैं तुम्हें भी रास्ता दिखाने आया हूं। तुम अपनी बीवी और बच्चों को वापस बुला लो, आज का दिन उनके लिए शुभ नहीं है। तुम्हें कैसे मालूम? मैं सब जानता हूं। जब तुम्हारे बाल बच्चों को पता चलेगा कि उन पर आने वाले संकट के बारे में तुम्हें मालूम था, फिर भी तुमने उनके बचाव के लिए कुछ नहीं किया, तो उनका विश्वास तुम पर से उठ जाएगा। एक एक पल तुम्हारे बच्चों पर और तुम्हारी पत्नी पर भारी है। यस सर, आपने मुझे बुलाया सर। कोई समस्या है सर?
वहां कोई है? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? नहीं, वहां तो कोई नजर नहीं आ रहा सर। वो ठीक है, तुम अपने दो चार साथियों को साथ लेकर जाओ और मेरे परिवार वालों को सही सलामत वापस लेकर आओ, अभी जाओ जल्दी। सर होशियारी मत दिखाना, नहीं तो एक एक की गर्दन काट कर रख दूंगा। नहीं, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हमारे पास जो कुछ है वो ले लो, मेरे मेरे बच्चों को छोड़ दो। खींच लो सारे जेवर जल्दी। पुलिस भागो। अरे अरे आजा 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 जी। ले 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 आजा आजा। बेटा सब ठीक है ना? रास्ते में कुछ? कुछ नहीं हुआ पिताजी। इससे पहले कि वो बिलो हम पर कुल्हाड़ी चला दे, इंस्पेक्टर चाचा आ गए। मैं तो उन्हें रास्ता दिखाता हूँ जो संसार की भूल भुलैयों में फंस जाते हैं। तुम अपनी बीवी और बच्चों को वापस बुला लो, आज का दिन उनके लिए शुभ नहीं है। आप हमेशा चौकन्ने रहते हैं ना, इसी वजह से आज हम सब बच्चे हैं। जाओ बच्चों खेलो जाओ। कितना प्यार करते हैं आप हमें, आपका प्यार ही हमारा सुरक्षा कवच है। मजिस्ट्रेट साहब, आपको बिल्लो की खबर किसने दी? वो एक फकीर ने। एक फकीर ने? सर। सुधा, सुधा मैं जा रहा हूं। रुकिए, मैं भी आ रही हूं आपके साथ। क्या बात है, तुम भी कहीं बाहर जा रही हो? आपके साथ। मेरे साथ? मैं तो शिरडी जा रहा हूँ। मैं भी चल रही हूँ शिरडी। अरे बाबा, मैं वहाँ सरकारी काम से जा रहा हूँ। तो मैं साईं बाबा के दर्शन कर लूंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस फकीर ने आपको संकट की खबर दी होगी वो साईं बाबा ही होंगे। हद हो गई है अंधविश्वास की। अरे वो शिरडी में रहने वाला साईं बाबा यहाँ धुलिया में कैसे आ जाएगा? खैर चलो आओ। बात ही हंसने जैसी है, जो मालिक इंसान को बनाता है इंसान उसी मालिक को मानने से इनकार कर देता है, ऐसे इंसान को नास्तिक कहते हैं। मालिक पूरी कोशिश करता है नास्तिक को
आस्तिक बनाने की। बार बार उसे अपने अस्तित्व से साक्षात्कार करवाता है, फिर भी इंसान नहीं मानता। इंस्पेक्टर सर, अब तुम जाओ और थोड़ा आराम करो। शाम को हम तहकीकात के लिए जाएंगे। और सुनो, साईं बाबा को इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए कि हम यहां हैं, नहीं तो वो फरार भी हो सकता है। जी सर। और यहां के फौजदार को बोल दो कि साईं बाबा पर नजर रखे। यस सर। फरार तो एक ना एक दिन इस दुनिया से सभी को होना है। जो अपराधी हैं वो अपने इलाके के कानून से बचने के लिए फरार होते हैं, और भक्त भक्त भगवान की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं, और जब भगवान से मिलने की चाह तेज हो जाती है तो उन्हें अपने आप भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। फिर मन में अहंकार की भावना नहीं रहती और मैं मालिक हूं, वो भावना भी मालिक के सामने फरार हो जाती है। सबका मालिक एक। अरे तुम कहां जा रही हो? साईं बाबा के दर्शन करने। ये कैसे हो सकता है? यही हो रहा है द्वारिकानाथ जी। हाँ, उस बड़े आदमी की बीवी साईं बाबा के दर्शन करने जा रही है, वो देखिए। अरे मूर्खों, पीछे हटो, मुझे देखने दो। मेरी अंतर आत्मा की आवाज कहती है कि बाबा आप ईश्वरीय अवतार हैं। मैजिस्ट्रेट साहब आपके बारे में गलत सोच रहे हैं। तुम न्यायाधीश साहब की न्याय पद्धति से परेशान हो बेटी। मालसापति, न्यायाधीश साहब मेरी तहकीकात करने आए हैं, मुझे गिरफ्तार करवाना चाहते हैं। आप तो जिस पर मालिक की कृपा होती है वही तो अपना कर्तव्य निभा पाते हैं। आप बहुत दयालु हैं साईं बाबा। मैं यहाँ सबको करुणा देने आया हूँ बेटी, सबका मार्गदर्शन करने आया हूँ। सर। राम राम। नमस्कार। नमस्कार। कौन है ये लोग इंस्पेक्टर? शिरडी के निवासी है साहब, द्वारिका नाथ जी योगी। नमस्कार। मुझे साईं बाबा के बारे में खबर इन द्वारिका नाथ जी ने ही दी थी। बहुत अच्छा काम किया आपने द्वारिका नाथ जी। धन्यवाद। मैं अब उस साईं की पोल खोलूंगा। यहाँ अपने आप को साधु संत कहलवाता है और वहाँ अपने साथियों से डाके डलवाता। जी हाँ, अरे जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लीजिए उस बहरूपिये को। क्यों वैद्य जी? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही होगा द्वारिकानंद। मैं खुद तहकीकात करने के लिए द्वारका में जाऊंगा। जी, लगता है उस साईं बाबा का शिरडी में आज आखिरी दिन है। सत्य वचन द्वारिकानाथ जी, सत्य वचन। साईं बाबा की गिरफ्तारी का खूबसूरत नजारा नहीं देखना चाहेंगे आप वैद्य जी? क्यों नहीं द्वारिकानाथ जी, क्यों नहीं। चलिए। राम राम राम। चलो चलो।
चलो चलो ढूंढू। ये सब क्या है महालसापति? हट जाओ रास्ते से। अरे द्वारिकानाथ जी, यदि ये लोग हट नहीं रहे हैं तो धकेल दो एक तरफ इनको। हाँ हाँ, आप दोनों धकेल दो। अरे चुप कर, चुप। ये सब आडंबर आप जैसे लोगों ने ही रचा के रखा है। खुद खंडोबा के मंदिर के पुजारी होकर साई बाबा की आरती करते हो। हमें न्यायाधीश साहब से बात करनी है। न्यायाधीश साहब, साईं बाबा हमारे भगवान हैं। आप उनके दर्शन जरूर कीजिए। लेकिन बाबा का अपमान मत कीजिए। बाबा चोर नहीं है। चोर तो ये द्वारिकानाथ है। हाँ, जब हम बहस नहीं कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। क्योंकि बाबा हमेशा कहते हैं कि आपस में झगड़ा मत करो, किसी की निंदा मत करो, हमेशा शांति बनाए रखो। अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो मालिक की कृपा हासिल कीजिए। मालिक की कृपा हासिल करने की कोशिश करो। अरे देखो, तुम्हारा ये प्रवचन बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि हमारे मजिस्ट्रेट साहब को द्वारिका माई में जाना है। क्यों साहब? हम कहां साहब को रोक रहे हैं, और हम रोकने वाले होते भी हैं कौन? सब करने कराने वाले साईं नाथ हैं। ये द्वारिका माई है कहां? यही तो है द्वारिका माई। अपने बीवी और बच्चों को वापस बुला लो, आज का दिन उनके लिए शुभ नहीं है। साईनाथ, ये आपसे मिलने आए हैं? मुझसे मिलने के लिए बहुत बेचैन है न्यायाधीश साहब। साईं बाबा, ये मेरे पति हैं। मैं जानता हूं बेटी, हमारी पुरानी पहचान है। राम राम राम। साहब जी, देख रहे हैं उसकी चापलूसी? वो आपके साथ पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि आप उसे सजा न दें। तुम, मेरा मतलब है, आप शिरडी से बाहर कब गए थे? साईं बाबा शिरडी छोड़कर कहीं नहीं जाते। तो फिर साईं बाबा मुझे धुलिया में कैसे मिले? मुझे कहीं पर जाने के लिए किसी गाड़ी घोड़े की जरूरत नहीं होती। मैं तो हर पल, हर जगह, हर तरफ होता हूं। जब मेरे भक्त को मेरी जरूरत होती है, मैं उनके पास पहुंच जाता हूं। अरे इसकी मीठी जबान पर मत जाइए साहब, ये लोगों को ऐसा ही बरगलाता है। राम राम राम, मीठी जबान और काला दिल। साहब जी, आप पूछताछ शुरू कीजिए। हाँ, पूछिए पूछिए। साईनाथ, न्यायाधीश साहब आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। हाँ हाँ, मैंने कभी नहीं मना किया महालसापति। अरे महालसापति जी, बाबा ने इन्हें यहाँ बुलाया है, तभी तो वो यहाँ आए हैं। साईं बाबा, चिंता ना करो बेटी, मैं न्यायाधीश साहब को अपना कर्म करने से कभी नहीं रोकूंगा। सवाल पूछिए।
क्या नाम है आपका? लोग मुझे साईं बाबा कहते हैं। लोग कहते हैं ना, पर न्यायाधीश साहब, इसके माँ बाप ने इसका कोई ना कोई नाम तो जरूर रखा होगा। पूछिए इससे। पूछिए। पूछिए। हमने तो साईं बाबा के माता पिता कभी नहीं देखे। बाबा तात्या की माँ को ही अपनी माँ मानते हैं। हाँ, बाईजा भाई को। आपके पिता का नाम साईं ही होंगे। और माँ का नाम? साईं। राम 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 साहेब जी, ये साईं धूम रच रहा है। देखिए आप ठीक तरह से जवाब दीजिए। हाँ। साईनाथ ठीक तरह से ही जवाब दे रहे हैं साहब। महल सपति, कानूनी काम में अड़ंगा लगाओगे ना तो सीधे अंदर जाओगे। मेरी छोड़ो, अपनी फिक्र करो द्वारिकानाथ जी। हो सकता है कानून को गुमराह करने के अपराध में आप ही अंदर जाएं। अच्छा है, अच्छा है। आपका धर्म? संत कबीर का धर्म इंसानियत। आपकी जाति? परवरदिगार। कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हैं आप बाबा को। देखो तुम मुझे अपना काम करने दो। आपकी उम्र? लाखों बरस। झूठ, झूठ बोल रहा है ये। अरे 16 साल का था जब ये यहाँ यहाँ शिरडी में आया था। और अपने आप को लाखों बरस का बता रहा है। देखिए साहब जी, आपकी आंखों में धूल झोंक रहा है। वैद्य जी, इंसान जब देखने लगता है, जानने लगता है, तब से आकाश को देखता है। तो आकाश की उम्र क्या होगी? 1 साल, 4 साल, 16 साल। समुंदर के किनारे खेलने वाले बच्चे किनारे के पानी में हाथ डालकर शंख और सीपियां निकालते हैं, तो क्या समुंदर की गहराई 1-2 हाथ होती है? इंसान पेड़ पर चढ़ जाता है तो क्या उसकी ऊंचाई पेड़ जितनी हो जाती है? वैद्य जी, ये साहब के सवाल का जवाब नहीं है साईं। साईं बाबा से ऐसे सवाल नहीं करने चाहिए। हाँ साईं बाबा ऐसे सवालों से परे हैं। साईं बाबा के जवाब संकेत कर रहे हैं कि साईंनाथ की कोई सीमा नहीं है। वो आपको बता रहे हैं कि वो ईश्वरीय अवतार है। क्या आप शपथ लेकर कहेंगे कि जो कुछ भी आप बता रहे हैं या बताएंगे वो सच होगा और सच के सिवा कुछ नहीं होगा? मैं सच कहता हूँ, सच बोलता हूँ, सच के अलावा कुछ नहीं कहता। और मैं सच की राह पर चलता हूँ क्योंकि सच ही ईश्वर है। सच ही हमें मालिक के करीब ले जाता है। जिस चोर को चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया, आप उसे जानते हैं? जानता हूं। जी, समझिए साईं पकड़ा गया। सत्य वचन द्वारिकानाथ जी, सबसे बड़ा चोर है। लेकिन मैं तो सबको जानता हूं, उस चोर को भी, आपको भी, सभी तो मेरे अपने हैं। जो सच्चाई की राह पर चलते हैं वो भी, जो सच्चाई की राह से भटक जाते हैं वो भी। मैं तो यहां सबको करुणा देने आया हूं, सबका मार्गदर्शन करने आया हूं। लेकिन वो चोर कहता है कि वो आपका भक्त है। सभी मेरे भक्त हैं, महालसापति भी, द्वारिकानाथ भी, आपकी पत्नी भी, आप भी। वरना आप मुझसे मिलने द्वारिका माई में क्यों आते? क्या आपने उस चोर को हीरे जवाहरात दिए थे? मैं इस पृथ्वी पर सबको कुछ ना कुछ देने आया हूं। मैंने आपको मान सम्मान ओहदा दिया है। इस समय आपकी जेब में 100 रुपए 12 आने हैं, वो भी मैंने ही आपको दिए हैं।
एकदम सही, पूरे 100 रुपए और 12 आने। लेकिन इस बात का साईं बाबा को कैसे पता चला? क्योंकि ये दुनिया मैंने ही बनाई है, मैं हर किसी की आत्मा में निवास करता हूं, हर किसी के दिल में झांक सकता हूं। आप कहते हैं कि आपने उस चोर को हीरे जौहरात दिए थे, लेकिन आपके पास वो हीरे जौहरात कहां से आए? अरे चोरी की होगी, और कहां से आएगा मजिस्ट्रेट साहब? द्वारकानाथ, चुप, चुप। सब कुछ मेरा है, और जो मेरा है वो मेरे ही पास होगा ना, जैसे तुम भी मेरे हो और द्वारिकानाथ भी मेरा है। द्वारिकानाथ भी मेरा है, ये आपको भूल भुलैयों में उलझा रहा है मजिस्ट्रेट साहब, आप उलझना मत। तुम उलझने वाले नहीं हो बेटे, अपने दिल में झांको, सच्चाई जान जाओगे। महान योगी हैं साईं बाबा, ईश्वरीय अवतार हैं। आपके बार बार संकेत करने पर भी मैं आपको पहचान नहीं पाया, क्षमा कीजिएगा मुझे। पर अनजाने में अगर मुझसे आपका अपमान हो गया हो या आपको मैंने कोई तकलीफ दी हो तो मैं आपका अपराधी हूं। आप जो भी सजा देंगे मैं भुगतने को तैयार हूं। द्वारिकानाथ जी, अपनी ये चाल भी ठुस हो गई। आप न्यायाधीश हैं जोशी साहब, आप विवेक बुद्धि से न्याय करते हैं। न्याय प्रदान करते समय आप कमल के फूल की तरह निर्लिप्त रहते हैं, पानी में रहकर भी पानी से अलग, अपने आप पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ने देते, निष्पक्ष होकर न्याय दान करते हैं। न्याय प्रणाली को आप जैसे न्यायी लोगों की जरूरत है। मैं यहां दुखियों को, पीड़ितों को, शोषितों को करुणा देने आया हूं, पर आप
दीन गरीब अन्यायग्रस्त लोगों को न्याय दीजिए, लोगों की दुआएं आपको लगेंगी। सबका मालिक एक। भैया दरवाजा खोलिए भैया। आ रहा हूं भैया। आ रहा हूं। अरे बप्पा तू यहां इतनी रात गए? भैया आप जल्दी से मेरे साथ चलिए। क्यों कहां? वो मेरे घर, वो मानसी की मानसी? क्या हुआ मानसी को? पहले बुखार आया, अब उसकी जांग में प्लेग की तरफ दो गिलेटियां हो गई। भैया भैया आप ही मेरा सहारा है, मेरी पत्नी को बचा लीजिए। भैया बचा लीजिए, मैं उसके बिना नहीं जी सकूंगा भैया। अरे नहीं बप्पा नहीं, उसे कुछ नहीं होगा, साईं बाबा की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। हम साईं बाबा के पास चलते हैं, हैं? चिंता मत करो बप्पा, चलो चलो चलो। रमते राम आओ जी उदिया लेने आओ जी, रमते राम आओ जी उदिया लेने आओ जी। साईं बाबा। माधव राव इस वक्त आओ। क्या बात है श्यामा, इतनी रात हो गए तुम सोए नहीं? साईं बाबा हमारी तो रात की नींद ही उड़ गई है। ये मेरा छोटा भाई है। हाँ हाँ मैं जानता हूँ श्यामा, इसका नाम बापा जी है और इस समय इसकी पत्नी बीमार है। मेरी पत्नी को बचा लीजिए साईं बाबा। साईं बाबा आप ही हमारा सहारा हैं अब तो। उसे कुछ नहीं होगा श्यामा। ये उदी बापा जी को दे दो। जी साईं बाबा। लो बापा। वो है सबका स्वामी, सबका रक्षक, उसकी कृपा से इसकी मानसी ठीक हो जाएगी। आपकी आज्ञा हो तो मैं भी बापा जी के साथ जाऊं साईं बाबा? नहीं इस वक्त नहीं, कल सुबह जाना और जल्दी लौट आना। सबका मालिक एक है। प्रणाम प्रणाम। चलो चलो चलो। साईं बाबा। अरे बप्पा मैं तो चाहता था कि मैं भी तेरे साथ चलूं, लेकिन आज तक जिस किसी ने भी साईं बाबा की बात नहीं मानी उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा हुआ ही है। लेकिन अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, साईं बाबा ने कह दिया कि तेरी बीवी ठीक हो जाएगी। अब तुम जाओ, मैं सुबह आऊंगा। और हाँ ये लालटेन लेते जाओ और उस उदी को खिलाना भी और पिलाना भी, समझ गए? अब जाओ। चिंता मत करना। जरूरत थी, मुझे उसके साथ जाना चाहिए था। बेचारा कितनी आस लेकर मुझे बुलाने आया था। नहीं यह गलत बात है, मुसीबतों में अपने ही लोगों के काम आता है इंसान। मुझे जाना चाहिए, बाबा जी मुझे रास्ते में ही मिल जाएगा। मुझे जाना चाहिए। बच्चा यहां अकेला क्यों बैठा हुआ है?
बेटे, कौन हो तुम और इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे नहीं पहचाना तुमने? मैं बेताल हूँ। ये मेरी हद है और इस हद में जो कोई भी आता है वो मेरा भोजन बन जाता है। नहीं माना, ये उसी की सजा है, मुझे बचाइए। अब मैं कभी आपका कहा नहीं टालूंगा साईं बाबा, मुझे बचाइए। इस वक्त मेरे पास उदी भी नहीं है साईं बाबा, उदी होती तो मैं नहीं डरता इससे। मैंने सारी उदी मानसी के लिए बाबा जी को दे दी। उदी नहीं तो क्या, ये मिट्टी तो है। साईं बाबा का नाम लेकर इसे उठा लेता हूं, उनकी कृपा से ये मिट्टी भी उदी बन जाएगी। साईं बाबा, साईं बाबा ने भैया को हमारे घर आने को कहा था। आइए भैया। अरे बप्पा। बंसी, अरे तुम तो बीमार थी ना? कल रात ही को तो इसकी बीमारी ठीक हुई है भैया, और आप आइए तो। बैठिए। ये सब साईं बाबा की उदी का कमाल है भैया। मैंने इसे उदी पानी में डालकर पिलाई और उसके बाद उसके सिर पर और जहां पर गुलेठियां हुई थी वहां लगाई, और थोड़ी देर बाद ना गुलेठियां रही ना बुखार, बस उदी ने तो बीमारी को जड़ से ही निकाल दिया। आपकी आज्ञा हो तो मैं भी पापा जी के साथ जाऊं साईं बाबा। नहीं, इस वक्त नहीं, कल सुबह जाना और जल्दी लौट आना। साईं बाबा की कही बात अब मेरे समझ में आ रही है। मैं चलता हूं, मुझे साईं बाबा के पास पहुंचना है जल्दी। पर खाना तो खा लीजिए। अरे नहीं पापा, नहीं, इस समय नहीं। मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ। साईं बाबा, साईं बाबा आओ। श्यामा आओ, आओ। ते आए बेताल को मुक्ति। हाँ? क्या हुआ, नाराज हो मुझसे? हाँ। अरे भाई क्या किया मैंने श्यामा? आप नाटक करते हैं। अरे कल रात मुझे साफ साफ क्यों नहीं बताया कि मुझे बेताल से खतरा है? मना तो किया था मैंने कि बापा जी के साथ मत जाना। हाँ? बापा जी की पत्नी को ठीक ही करना था तो उसे तकलीफ होने ही क्यों दी? मुझे आपका यही नाटक पसंद नहीं। पहले तो शोर मचाकर हमें अशांत कर देते हो, फिर तुरंत सहायता करके सब ठीक कर देते हो। क्यों करते हैं आप ऐसा, क्यों?
समझदार हो गए हो श्यामा, फिर भी ना समझ बन रहे हो। नहीं साईं बाबा नहीं, मैं समझदार नहीं हूँ, कुछ ज्यादा ही ना समझू मैं। मुझे आपकी ये लीला समझ में नहीं आती। श्यामा, कर्मों का फल तो हर किसी को भोगना ही पड़ता है। कर्म पथ तो बहुत रहस्यपूर्ण है। मैं कुछ नहीं करता, फिर भी लोग अपने कर्मों के लिए मुझे दोषी ठहराते हैं। मैं तो एक दर्शक मात्र हूं। सत्ताधारी और प्रेरणा देने वाला तो वो ईश्वर है, और वो बहुत दयालु है, बहुत दयावान है। मैं ना तो ईश्वर हूं ना मालिक, सिर्फ ईश्वर का आज्ञाकारी सेवक हूं मैं, और हमेशा उनका स्मरण करता हूं। जो भी अपना अहंकार त्याग कर कृतज्ञता से उन पर विश्वास करेगा, उसके कष्ट दूर हो जाएंगे और उसे मुक्ति प्राप्त होगी। नहीं ना, नहीं साईं बाबा, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, सिर्फ आपके चरणों में जगह चाहिए, मुझे जगह चाहिए। सबका मालिक एक है। साई की लीला को साई ही जाने, संसारी लोग कैसे पहचाने।